हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड आज हम आए हुए हैं विक्रम, जो कि मासी का घर पे आए हुए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक फेमस विक्रम में मंदिर है, जो कि अस्पूरा मंदिर है। मंदिर का नाम ही अस्पूरा है, जहाँ की वो बहुत फेमस मंदिर है विक्रम का। और एक मेरा छोटा सा भाई है, हाय फ्रेंड्स, यही मेरा एक छोटा सा भाई है। इसके साथ ही जा रहे हैं अस्पूरा मंदिर देखने के लिए, और आपको इस ब्लॉग में भी अस्पूरा का मंदिर दिखाएंगे। तो फ्रेंड आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड हम लोग जो है अस्पूरा मंदिर पहुंच गए हैं, आप लोग पीछे देख चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड हम आपको करीब से दर्शन कराते हैं अस्पूरा मंदिर। फ्रेंड अस्पूरा मंदिर का यही नहर है, जो कि यहाँ छठ वगैरह सब कुछ होता है। अभी नाला का काम कर रहा है, पर यहीं पर छठ वगैरह सब चीज़ होता है। यहाँ बहुत अच्छा अच्छा मेला भी लगता है अस्पूरा मंदिर में, देख सकते हो फ्रेंड। ये अस्पूरा रोड है, और अस्पूरा का जो मंदिर है, पहला जो मंदिर है वो संकट मोचन का मंदिर है। जय श्री राम। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मंगलवार के बहुत भीड़ रहता है अस्पूरा में। यहाँ पे शादी विवाह का भी काम होता है, जो देखा देखी छेका छेकी होता है वहाँ, यहाँ सब होता है अस्पूरा मंदिर में। और ये देखिए फ्रेंड सूर्य मंदिर, ये आपको सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। सूर्य भगवान फ्रेंड, ये अस्पूरा का तीसरा मंदिर, जो कि जय माँ वैष्णवी देवी का मंदिर है। ये देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग शाम का 7 बज रहा है, इसलिए जो दरबार है वो बंद है। ये फ्रेंड एक और लास्ट मंदिर है जो कि वहाँ पे है, वो मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ये भी एक मंदिर है जो कि आप लोग देख सकते हो, पर इसका जो दरबार है वो अभी बंद है, वो कल सुबह खुलेगा। तो फ्रेंड यही है अस्पूरा का फेमस मंदिर। और ये है फ्रेंड, बरसात के समय में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पानी भरा हुआ रहता है, और यहाँ पे छठ वगैरह भी होता है, बहुत भारी संख्या में भीड़ लगती है फ्रेंड। तो अगर आप लोग पाली से, विक्रम से, अगर कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर जानते होंगे, ये घाट ज़रूर देखे होंगे, अस्पूरा का मंदिर भी ज़रूर घूमे होंगे। अगर जो जो भी इस मंदिर को, इस घाट को जानता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि फ्रेंड विक्रम और पाली बगल में ही, इसके बीच में ही ये अस्पूरा मंदिर है, जो कि फेमस मंदिर है। फ्रेंड ये आपको जो मंदिर है वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर फ्रेंड कोई भी मंदिर आपको देखना होगा, तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय।